जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप सबको? ठीक यस मैम। है। प्रीवियस लेक्चर में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है? ठीक नो मैम। है, चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यस मैम। स्क्रीन में से पहले यस मैम। ठीक हो गया। हम अल्ट्रासाउंड पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में। हमने अल्ट्रासाउंड को डिस्कस किया था, उसका प्रोडक्शन का मेथड डिस्कस किया था कि अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो बेसिकली होती क्या हैं, उनकी नेचर क्या होती है, साउंड वेव्स होती हैं और वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं। आज हम उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, अल्ट्रासाउंड के यूजेस, अल्ट्रासाउंड की डेंजर्स, प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को डिस्कस कर लेंगे। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं अल्ट्रासाउंड के? बेसिकली फोर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज द थर्मल इफेक्ट, सेकेंड इज कैविटेशन, थर्ड इज इट्स मैकेनिकल इफेक्ट एंड फोर्थ इज इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट। इन फोर इफेक्ट्स को हम फर्दर डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होते हैं। थर्मल इफेक्ट्स का तो नेम से ही पता चल रहा है दैट व्हेन द वेव्स आर एब्जॉर्ब हीट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्रोटीन्स जो होते हैं देन प्रोटीन्स एब्जॉर्ब मोर हीट रादर देन द अदर टाइप ऑफ सेल्स और अदर टाइप ऑफ टिश्यूज, रादर देन जो प्रोटीन्स जिन टिश्यूज में ज्यादा होती है जैसे आपके मसल्स में, तो फिर वो वाले जो आपके टिश्यूज हैं उसमें प्रोटीन ज्यादा है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स ट्रीटमेंट हेड पासिस ओवर द पार्ट। अब ट्रीटमेंट हेड क्या है? ट्रीटमेंट हेड वो हमारा प्रोब है या वो इमिटर है या ट्रांसड्यूसर है जहां से आपके अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है इमिट होती हैं। ट्रीटमेंट हेड जो है जितना टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स वो किसी एरिया पे पास करेगा उतनी ज्यादा वहाँ पे वेव्स के एब्जॉर्प्शन होगी और उतनी ज्यादा वहाँ पे हीट का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन फिर दोबारा याद रहे कि अल्ट्रासाउंड जो है एज कम्पेयर टू द शॉर्ट वेव डायथर्मी बहुत कम हीट प्रोड्यूस करती है। शॉर्ट वेव डायथर्मी प्योरली हीटिंग मोडालिटी थी, अल्ट्रासाउंड जो है उसका एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है कि हीट भी प्रोड्यूस होती है बट इट्स नॉट प्योरली अ हीटिंग मोडालिटी। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स ट्रीटमेंट हेड पासिस ओवर द पार्ट उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी। द एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन थ्रू द ट्रीटेड टिश्यूज, और ये जो हम जिन टिश्यूज की हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी सर्कुलेशन, उनकी एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन की कितनी अच्छी सर्कुलेशन है उस एरिया की, उन टिश्यूज की, उस चीज पे भी डिपेंड करता है कि कितनी हीट वहाँ पे एब्जॉर्ब होती है। कॉन्टिन्यू, अब टू मोड्स होते हैं अल्ट्रासाउंड के, वन इज कॉन्टिन्यूस मोड एंड द अदर वन इज पल्स मोड। तो कॉन्टिन्यूस मोड में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट डिवेल्प इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इंसोनेशन 1:1, कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट डिवेल्प हो रही है वो उसकी ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली आप अप्लाई करते रहते हो इसमें अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो 1:1 चल रहा है कि एप्लीकेशन का और जो है उसके प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट का। इंसोनेशन का जो वर्ड है ये टिपिकली अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड है, इट मींस एक्सपोजर टू और ट्रीटमेंट विद अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इंसोनेशन। देन पल्स अल्ट्रासाउंड के केस में क्या होता है कि पल्स में ये होता है कि एक पल्स आती है अल्ट्रासोनिक वेव की तो फिर उसके बाद पॉज होता है, उसके बाद दोबारा पल्स आती है। ठीक है, ये ब्रेक फॉर्म में होता है, पल्स्ड फॉर्म में होता है अल्ट्रासाउंड। लेस थर्मल इफेक्ट्स देन द कॉन्टिन्यूस एंड अ मार्क स्पेस रेशियो 1:4 प्रोड्यूसेस लेस हीट देन द 1:1। कॉन्टिन्यूस मोड में थर्मल इफेक्ट हमें ज्यादा मिलते हैं, पल्स्ड मोड पे आपको थर्मल इफेक्ट कम मिलते हैं क्योंकि उसमें हीट की रेशियो 1:4 आ जाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड एट टिश्यू इंटरफेस प्रोड्यूसेस अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। अब वो क्या कह रहे हैं कि टिश्यू इंटरफेस, पहली बात ये कि टिश्यू इंटरफेस क्या होता है? टिश्यू इंटरफेस वो बाउंड्री होती है इंटरफेस जो दो टिश्यूज की कॉमन बाउंड्री है। फॉर एग्जाम्पल आपके फैट और आपकी स्किन, ठीक है, उनके बीच की जो बाउंड्री है द कॉमन बाउंड्री बिटवीन योर फैट टिश्यूज एंड योर स्किन टिश्यूज इज टिश्यू इंटरफेस ऑफ द दोज टिश्यूज। इसी तरह मसल्स हैं और इसी तरह फैट है, स्किन है, तो उन सब की जो बाउंड्रीज हैं, जो कॉमन बाउंड्रीज हैं, उसको कहते हैं टिश्यू इंटरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड होता है आपके टिश्यू इंटरफेस पे और वहां पे हीटिंग इफेक्ट कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड, क्योंकि साउंड वेव्स हैं रिफ्लेक्ट करती हैं
ठीक है, तो जब वो रिफ्लेक्ट करती हैं तो इंटरफेस पे बाउंड्रीज पे कंसंट्रेशन ऑफ हीटिंग प्रोड्यूस हो सकती है. दिस इफेक्ट इज मोर अपेरेंट एट टिश्यू इंटरफेसेस. ये रिफ्लेक्शन का जो इफेक्ट है दिस इज मोर प्रेजेंट एट टिश्यू इंटरफेसेस. ये फर्स्ट पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें. बेटा टिश्यू इंटरफेस की पहले तो समझेंगे, टिश्यू इंटरफेस कहते हैं आपकी बाउंड्री, टिश्यू बाउंड, कॉमन टिश्यू बाउंड्री को. ठीक है, कोई भी दो टाइप के टिश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल स्किन टिश्यूज हैं, मसल टिश्यूज हैं, फैट टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यूज हैं, कोई भी दो टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, उनकी जो कॉमन एक बाउंड्री होती है दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू इंटरफेस. अब वहां से अल्ट्रासाउंड, क्योंकि दीज आर द साउंड वेव्स, ये रिफ्लेक्ट होती हैं, आपने अप्लाई की स्किन पे, और स्किन से अंदर डीप जाती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, और कुछ रेज वहां से इंटर वहां से बैक रिफ्लेक्ट होती हैं. तो जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये जो टिश्यू इंटरफेसेस होते हैं वहां पे हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, मोर अपेरेंट होता है, क्योंकि वहाँ टिश्यू इंटरफेस की बाउंड्री वाली जो स्पेस है, टिश्यू इंटरफेस है, वहां पे हीटिंग इफेक्ट कॉन्सेंट्रेट कर जाता है. इंक्रीज्ड सेलेक्टिविटी, वेजोडाइलेशन, ब्लड सप्लाई, थर्मल इफेक्ट्स में आते हैं कि जहां भी हीटिंग, हल्की सी भी हीट प्रोड्यूस होगी तो वहां पे वेजोडाइलेशन और इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, इंक्रीज्ड सेलेक्टिविटी हो जाती है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन. अब यूज क्या है थर्मल इफेक्ट का, कि लोकल राइज इन टेम्परेचर कुड बी यूज टू एक्सेलरेट हीलिंग, हीलिंग को ये एक्सेलरेट कर सकते हैं, हीलिंग फास्ट हो सकती है. द एक्साइटेबिलिटी ऑफ कोलेजन इज इंक्रीज बाय राइज इन टेम्परेचर. कोलेजन जो प्रोटीन है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रोटीन्स जो हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं अल्ट्रासाउंड को, और ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा हीट होती है रादर देन द अदर टाइप ऑफ टिश्यूज. तो कोलेजन जो है वो जहाँ पे वो ज्यादा होगी, कोलेजन होगी, वो एक्साइटेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है बाय द राइज इन टेम्परेचर. स्ट्रेचिंग ऑफ स्कार्स एंड एडहेशंस इज इजियर फॉलोइंग अल्ट्रासाउंड. जब आपने स्कार्स की स्ट्रेचिंग करनी है, कोई एडहेशन बने हुए हैं किसी जॉइंट में, उसकी आपने स्ट्रेचिंग करनी है, एडहेशंस ब्रेक करने हैं, तो पहले आप अल्ट्रासाउंड अप्लाई कर देते हो. उससे क्या होता है कि स्ट्रेचिंग और ब्रेकिंग ऑफ एडहेशंस जो है वो ईजियर हो जाती है, रिड्यूसेस पेन. ये था पहला इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट. सेकेंड वन, कैविटेशन इफेक्ट. कैविटेशन कहते हैं बबल्स के, गैस वेपर्स के फॉर्मेशन को. ऑसिलेटरी एक्टिविटी ऑफ हाईली कंप्रेसिबल बॉडीज विद इन द टिश्यू सच एज गैस और वेपर फिल्ड वॉइड्स. के जो आपके गैस के या वेपर्स के जो एक बबल्स बने होते हैं, उनकी ऑसिलेटरी एक्टिविटी होती है. ऑसिलेटरी एक्टिविटी क्यों होती है, उनकी मूवमेंट क्यों होती है, ड्यू टू द अल्ट्रासाउंड. इट मे बी स्टेबल और अनस्टेबल कैविटेशन. अब कैविटेशन जो है ये स्टेबल भी हो सकती है और अनस्टेबल भी. स्टेबल कैविटेशन इज गुड एंड अनस्टेबल कैविटेशन इज डेंजरस. ठीक है, कैसे स्टेबल कैविटेशन कैसे होती है, कि बबल्स ऑसिलेट टू एंड फ्रो विद इन द अल्ट्रासोनिक प्रेशर वेव्स बट रिमेन इंटैक्ट. जो आपकी बबल्स होते हैं गैस के या जो वेपर्स होते हैं इंटैक्ट रहते हैं. ये जो है आप सिंपल वर्ड्स में कह लें कि ये बबल बर्स्ट नहीं करता है, ठीक है, और वो इंटैक्ट रहते हैं, वो सिर्फ ऑसिलेट करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड, ऑसिलेट करेंगे. हैव बेनिफिट, ये बेनिफिशियल है. मॉडिफाइज अल्ट्रासोनिक बीम इन सच अ वे दैट इट कॉजेज माइक्रो स्ट्रीमिंग, कि आपकी माइक्रो स्ट्रीमिंग होती है ये स्टेबल गैस बबल की वजह से. अब माइक्रो स्ट्रीमिंग क्या होता है, माइक्रो स्ट्रीमिंग इज द स्ट्रीमिंग या इज द फ्लो ऑफ फ्लूइड अराउंड एन ऑसिलेटिंग गैस बबल. अब एक गैस बबल है, उसके इर्द गिर्द से जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड माइक्रो स्ट्रीमिंग. ठीक है, माइक्रो स्ट्रीमिंग बेनिफिशियल होती है, और माइक्रो स्ट्रीमिंग होती है ड्यू टू स्टेबल कैविटेशन. जब गैस बबल्स फॉर्म्ड हैं तो फ्लूइड वहां से, उसके इर्द गिर्द का फ्लूइड रेडिली पास करता है, स्ट्रीमिंग वे में उसका फ्लूइड जो है वो पास करेगा वो गैस बबल ऑसिलेशन से अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड. दिस इज बेनिफिशियल एंड नॉट डेंजरस. Unidirectional movement of fluids along the boundaries of cell due to microstreaming, permeability of cell membrane and direction of movement of molecules into the cell is influenced. अब microstreaming का क्या benefit है, कि उसकी वजह से आपके cells की permeability better होती है, उसकी direction of movement of molecules जो है वो influence होती है. Unstable cavitation जो होती है, this is dangerous and volume of the bubble change rapidly and then collapse. ठीक है, बबल का वॉल्यूम चेंज होता है, वो जब ऑसिलेट करती है, मूव करती है, वाइब्रेट करती है, और उसके बाद वो कलैप्स कर जाती है.
potential dangerous to the tissues as the collapse of bubble causes a great local rise in temperature. अब बबल ने अपने अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ था, जो उसके अंदर टेम्परेचर था, जैसे ही वो कलेप्स होगा तो वो बर्स्ट होगा, तो वो टेम्परेचर जो उसके सराउंडिंग टिश्यूज हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर जाता है ड्यू टू द कलेप्स ऑफ गैस बबल. अवॉइडेड बाय मूविंग द ट्रीटमेंट हेड. अब इसको अवॉइड कैसे करना है आपने अनस्टेबल कैविटेशन को, ये बड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है अल्ट्रासाउंड के अंदर. क्या आप अल्ट्रासाउंड जब करते हो तो उसका हेड जो है उसको आप एक जगह स्टेबल क्यों नहीं रखते, उसको आप सर्कुलर सर्कल में या फिर एट के फिगर में, एट का फिगर बनाते हो, उससे मूविंग कॉन्टिन्यूसली मूविंग करते रहते हो एरिया पे जिसपे आप अप्लाई किए, या फिर उसको सर्कुलर मोशन में रखते हैं उसको हेड ऑफ द ट्रीटमेंट हेड को या प्रोब को. क्यों? जस्ट टू अवॉइड द अनस्टेबल कैविटेशन. दिस इज द आंसर दैट टू अवॉइड unstable cavitation you keep the treatment head or treatment probe moving continuously in circular motions or in the figure 8 motions. ठीक है, ये था आपके cavitation effects, thermal effects, फिर cavitation effects. cavitation effects में stable और unstable cavitation. थर्ड है आपका मैकेनिकल इफेक्ट, माइक्रो मसाज. लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन वेव्स ऑफ द अल्ट्रासाउंड बीम प्रोड्यूसेस कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ सेल्स. हमें पता है साउंड वेव्स हैं वो हमेशा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वेव फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं एंड अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ टिश्यू फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस. अब जो सेल्स की जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं वहाँ पे टिश्यू के फ्लूइड को इफेक्ट करती हैं ये आपकी साउंड अल्ट्रासाउंड वेव्स. कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एडिमा. व्हेन कंबाइंड विद द थर्मल इफेक्ट्स द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ स्कार्स एंड एडहेशंस कुड बी अफेक्टेड इन सच अ वे टू मेक स्ट्रेचिंग देम इजीयर. ये हम पहले भी देख चुके हैं थर्मल इफेक्ट्स में कि स्कार्स और एडहेशन को की जो है स्ट्रेचिंग ईजी हो जाती है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड. ये उसके मैकेनिकल इफेक्ट्स में भी आता है. मैकेनिकल इफेक्ट्स कुड ऑल्सो हेल्प रिड्यूस एडिमा. अब हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट्स. बायोलॉजिकल इफेक्ट्स में क्या होता है कि थ्री स्टेजेस ऑफ रिपेयर होती हैं आपकी. जनरल है कि रिपेयर की या हीलिंग की जो थ्री स्टेजेस हैं, इंफ्लेमेटरी स्टेज, प्रोलिफरेटिव स्टेज और रिमॉडलिंग स्टेज. और अल्ट्रासाउंड का इन थ्री की थ्री स्टेजेस में इफेक्ट होता है. इंफ्लेमेटरी स्टेज में क्या होता है कि इंक्रीज द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइसोसोम मेम्ब्रेन. लाइसोसोम्स होते हैं आपके सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, उस उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी फ्रेजिलिटी को इंक्रीज कर देता है अल्ट्रासाउंड और वो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है और लाइसोसोमल कंटेंट जो होता है, जो एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर, वो रिलीज हो जाते हैं. इनहांसेस द रिलीज ऑफ देयर कंटेंड एंजाइम्स. लाइसोसोमल एंजाइम्स की बात हो रही है. एंजाइम्स विल हेल्प टू क्लियर द एरिया ऑफ डेब्रिस. तो जो आपका वेस्ट का एरिया होता है एंजाइम्स उस एरिया को क्लियर आउट कर देते हैं एंड अलाउ द नेक्स्ट स्टेज टू अकर. नेक्स्ट क्या थी? प्रोलिफरेटिव स्टेज. फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन होता है प्रोलिफरेटिव स्टेज में. सबसे पहले तो क्या होता है अल्ट्रासाउंड की वजह से, फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट में हैव कैल्शियम आयंस ड्राइवन इनटू देम बाय द अल्ट्रासाउंड. फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं ये कैल्शियम आयंस को पिक करना स्टार्ट कर देते हैं बाय अल्ट्रासाउंड. This increases their mobility and encourages their movement towards the area of repair. फिर वो area of repair की तरफ जाते हैं. Fibroblasts are stimulated to produce the collagen fibers to form scar. और फिर scar formation start हो जाती है. Wound repair या healing में या repair of any tissue में scar formation is a crucial step. Myofibroblast will contract to pull the edges together. और मायोफाइब्रोब्लास्ट जो हैं फिर वो जो एक वूंड है उसके जो साइड जो टिश्यू रप्चर हुआ हुआ है उसके दोनों एजेस को क्लोज लाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करवाता है वूंड को, ठीक है, मायोफाइब्रोब्लास्ट. देन देयर इज द थर्ड स्टेज ऑफ रिपेयर दैट इज रिमॉडलिंग. इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्कार बाय अफेक्टिंग द डायरेक्शन स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ फाइबर्स. ये थे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में. मैकेनिकल इफेक्ट्स, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, थर्मल इफेक्ट्स और कैविटेशन इफेक्ट थे. अब हम देखते हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या हैं. इसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं जो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, स्कार टिश्यू, क्रॉनिक इंड्यूरेटेड एडिमा, वेरिकोज अल्सर्स, ब्लड फ्लो, बोन इंजरीज, प्लांटर वार्ट्स एंड प्लेसिबो इफेक्ट. यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड आफ्टर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज मैकेनिकल इफेक्ट हेल्प टू रिमूव ट्रॉमेटिक एक्सुडेट.
कि जब भी कोई इंजरी होती है सॉफ्ट टिश्यू की, ठीक है, उसके बाद आपका वहां पे ट्रोमेटिक एक्जुडेट, एक्जुडेट कहते हैं कोई भी फ्लूइड है जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके वेन से, आपकी आर्टरी से लीक हो जाता है इनटू द एरिया और वहां पे इन्फ्लेमेशन के एरिया में, उसको कहते हैं एक्जुडेट. ठीक है, वो पस की फॉर्म में भी हो सकता है एक्जुडेट, या क्लियर फ्लूइड भी हो सकता है. बेसिकली ये ट्रॉमा की साइट पे, ट्रॉमा की साइट पे या इन्फ्लेमेशन की साइट पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम से फ्लूइड लीक होके आता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्जुडेट. ठीक है, अल्ट्रासाउंड अब क्या करता है कि जब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बाद जो एक्जुडेट जमा होता है उसको वहां से रिमूव करने में हेल्प करता है. ठीक है, रिड्यूसेस द डेंजर ऑफ एडहेजन. सेकेंड, थर्ड वन इज हीटिंग इफेक्ट एंड लार्ज डायमीटर फाइबर्स रिड्यूस द पेन थ्रू पेन गेट मैकेनिज्म. पेन गेट मैकेनिज्म हम अच्छे से इलेक्ट्रोथेरेपी 1 में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, कि टेंस सप्लाई होती है पेन गेट मैकेनिज्म के थ्रू, टेंस मोडालिटी. इसी तरह अल्ट्रासाउंड का भी हीटिंग इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट वो जो है पेन को रिड्यूस करता है थ्रू द पेन गेट मैकेनिज्म. एक्सेलरेटेड प्रोटीन सिंथेसिस स्टिमुलेट द रेट ऑफ रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू. प्रोटीन सिंथेसिस के रेट को भी अल्ट्रासाउंड इंक्रीज कर देता है, और जब प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगी, जल्दी जल्दी होगी, तो आपका टिश्यू डैमेज जो हुआ है उसकी रिपेयर भी इंक्रीज रेट पे होती है. स्कार टिश्यू, स्कार टिश्यू इज मेड प्लायबल बाय द एप्लीकेशन ऑफ थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड. स्कार टिश्यू जो है वो मोर फ्लेक्सीबल हो जाता है. ठीक है, उसको आप अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो फ्लेक्सीबल और एक्सटेंसिबल हो जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड. फिर उसकी स्ट्रेचिंग इजी हो जाती है, अलाउ इफेक्टिव स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड स्कार्स. इफ स्कार इज बाउंड डाउन ऑन अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स, अल्ट्रासाउंड में हेल्प इन गेनिंग इट्स रिलीज. अगर कोई स्कार है जो कि आपकी जो सुपरफिशियल स्किन के ऊपर स्कार है, लेकिन वो डीप जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं स्किन के नीचे उनके साथ टाइटली बाउंड हो चुका है वो स्कार, ठीक है, वो काफी ज्यादा टाइट बाउंड है अपने अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स के साथ, तो उसको स्ट्रेच करना ज्यादा मुश्किल है. उसकी रिलीज के लिए उस स्कार की भी अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है कि वो अपने अंडरलाइन स्ट्रक्चर से थोड़ा इजीली रिलीज हो जाए. देन क्रॉनिक इंड्यूरेटेड एडिमा. इंड्यूरेटेड कहते हैं कोई भी चीज जब हार्डन हो जाती है, एडिमा जब हार्ड हो गया, ठीक है, एडिमा फ्लूइड होता है, आप उसको ऐसे, अगर पिटिंग एडिमा होता है, आप उसमें ऐसे अपनी फिंगर से पिट क्रिएट करते हो तो वो पिट हो जा क्रिएट हो जाता है. लेकिन कोई कोई होते हैं कि अगर बहुत क्रॉनिक हो जाए एडिमा तो वो इंड्यूरेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है. ठीक है, तो मैकेनिकल इफेक्ट विल ब्रेक डाउन एडहेशंस फॉर्मड बिटवीन द एजेस एंड स्ट्रक्चर्स एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द क्रॉनिक इंड्यूरेटेड एडिमा. वेरिकोज अल्सर्स प्रोमोट हीलिंग ऑफ वेरिकोज अल्सर्स एंड प्रेशर सोर्स. प्रेशर सोर्स आपके बेस्ट एग्जाम्पल ये होती है कि जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं वो एक ही पोजिशन में लेटे रहते हैं, तो उस जगह पे कॉन्स्टेंट प्रेशर की वजह से अक्सर बैक पे, या फिर अगर किसी ने प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी के फ्रैक्चर के बाद किसी को लगा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उसके अंदर प्रेशर सोर्स बनना, ठीक है, प्रेशर सोर्स बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, वूंड्स होते हैं बेसिकली. और वेरिकोज अल्सर्स आपकी लेग्स में डिवेलप होते हैं वेरिकोज वेन्स की वजह से, इनकी हीलिंग को भी अल्ट्रासाउंड प्रमोट करता है. डोज ऑफ 1.5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर 5 मिनट्स अप्लाइड टू द फोर आर्म डिड नॉट अल्टर द स्केलेटल मसल ब्लड फ्लो. ठीक है, आप अब हमने ये एक एक्सपेरिमेंटल बीच में स्टडी डाली है कि अगर 5 मिनट्स के लिए हम अप्लाई करते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है, 1.5 की डोज के साथ, तो हमने देखा है कि स्केलेटल मसल्स का ब्लड फ्लो जो है वो इतना ज्यादा अल्टर नहीं होता फॉर 5 मिनट्स. ठीक है, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा देर के लिए अप्लाई करते हो, लाइक फ्रॉम 10 to 15 मिनट्स, और उसके बाद उसका थर्मल इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो थर्मल इफेक्ट के इन्फ्लुएंस में आके थोड़ा बहुत सर्कुलेशन उसकी इंक्रीज होती है. अदरवाइज जो है ब्लड फ्लो विद अ स्मॉल डोजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड ब्लड फ्लो अल्टर नहीं करता. बोन इंजरीज. अल्ट्रासाउंड इन फर्स्ट एंड सेकेंड वीक फॉलोइंग बोन इंजरी कैन इंक्रीज बोन यूनियन. बोन इंजरीज के बाद अल्ट्रासाउंड अप्लाई करने से बोन की यूनियन जल्दी हो जाती है. कैन ऑल्सो बी यूज इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर्स. प्लांटर वार्ट्स. अब प्लांटर वार्ट्स जो है कॉमनली एथलेटिक पॉपुलेशन में देखे जाते हैं, लेकिन ये नॉर्मली भी हो जाते हैं लोगों को. अक्सर जो है उनके पाओं की जो सोल होती है फुट की, वहां पे हार्डन सा एक एरिया बन जाता है, ठीक है,
ऑन वेट वेरिंग एरियाज ऑफ फीट पे वॉर्ट्स हो सकते हैं, या फिर ये बेसिकली सबसे ज्यादा ये वायरस की वजह से होते हैं, वायरल वॉर्ट्स उन्हें आप कहते हो, या फिर माइक्रो ट्रॉमा की वजह से कि कोई आपने ऐसा शूज बार 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 पहना है जिसकी वजह से आपका स्किन का कोई पार्ट इरिटेट हो रहा है या और उस पर वेट वेरिंग एरियाज इरिटेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे वॉर्ट्स क्रिएट हो जाते हैं. लेजन कंटेन्स थ्रोम्बोस्ड कैपिलरीज इन अ वाइटिश कलर्ड सॉफ्ट कोर कवर्ड बाय हाइपर केराटोटिक एपिथेलियल टिश्यू. अभी वॉर्ट का बताया हुआ है कि वॉर्ट होता क्या है, एक लेजन होता है जिसके अंदर जो है वाइटिश कलर्ड सॉफ्ट कोर होती है उसकी, ठीक है, उसमें थ्रोम्बोस्ड कैपिलरीज होती हैं, वो कैपिलरीज जिनकी थ्रोम्बोसिस हो गई है, ठीक है, वह ऐसी कैपिलरीज होती हैं. और ऊपर स्किन कैसी होती है, हाइपर केराटोटिक एपिथीलियल टिश्यू. हाइपर केराटोटिक वही हार्डन, ठीक है, जो स्किन हार्ड हो गई है, हाइपर केराटोटिक हार्ड हो गया है उसके ऊपर का टिश्यू. इफेक्टिव पेनलेस मेथड फॉर एलिमिनेटिंग प्लांटर वॉर्ट्स. प्लांटर वॉर्ट्स जो होते हैं उसको ट्रीट करने का जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो अल्ट्रासाउंड नहीं है, और मेथड्स हैं जैसे कि क्रायोथेरेपी है. बेस्ट मेथड टू ट्रीट द प्लांटर वॉर्ट्स इज क्रायोथेरेपी. उसमें उसको आइस उसके थ्रू कूलिंग के थ्रू जला देते हैं, नाइट्रोजन गैस यूज करके जल जाते हैं वॉर्ट्स, ठीक है. लेकिन सेकेंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे आप कह सकते हो कि अल्ट्रासाउंड भी यूज किए जाते हैं. क्रायोथेरेपी इज क्वाइट पेनफुल, ठीक है, जलन होती है उसमें, तो ये अल्ट्रासाउंड में क्योंकि कोई पेन या कोई एक्सेसिव हीटिंग कुछ भी नहीं है, तो ये पेनलेस मेथड है प्लांटर वॉर्ट्स को रिमूव करने का. देन देर इज प्लेसिबो इफेक्ट. के सेवरल स्टडीज हैं, सेवरल रिसर्चेज हैं जो कहती हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है अल्ट्रासाउंड का. अब कोई बच्चा मुझे ये बताए कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है. जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको, यानी कि वो कहते हैं जब तक दवाई ना लें तो हम ठीक नहीं होंगे, तो वो उनको हम देने का ऐसी कोई दवाई दे देंगे जो उन्हें हार्म भी नहीं करती, जैसे कोई कैल्शियम की डोज दे देंगे, तो वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है. ठीक है, बिल्कुल ऐसी है. प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं कि उस चीज का, उस ट्रीटमेंट का बेसिकली एज सच कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है नहीं, ना ही उसका कोई आप कह सकते हैं कि उसका कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, ना उसका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, लेकिन पेशेंट उससे ठीक हो रहा है जस्ट ड्यू टू द साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है. तो ये भी अल्ट्रासाउंड का एक इफेक्ट है. देन कमिंग टू द यूजेस, ट्रॉमेटिक और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में आप यूज करते हो अल्ट्रासाउंड, टेंडनाइटिस हो, बर्साइटिस हो, कैप्सुलाइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, प्लांटर फेशियाइटिस है, ठीक है, इन सारी कंडीशंस में अल्ट्रासाउंड का यूज होता है. प्लांटर फेशियाइटिस में तो अल्ट्रासाउंड बहुत हाईली रिकमेंडेड होता है, बल्कि स्कार टिश्यू है उसमें आप यूज करते हो उसको रिलीज करने के लिए. कैन बी यूज इन सुपरफिशियल एंड डीप फाइबरस स्कार्स. ड्यूपुट्रिन कॉन्ट्रैक्चर ये होता है जिसकी ये डायग्राम भी दिखाई हुई है कि आपके हैंड की जो स्किन है, इस स्किन के नीचे का जो टिश्यू है वहां पे स्कार्स और एडिशंस बन जाते हैं, और फिर आपकी जो फिंगर्स होती हैं ये एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहती हैं, ये क्योंकि स्कार्स की फॉर्मेशन हो जाती है अंडरलाइंग टिश्यू में, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्चर फॉर्म हो जाता है. उसको रिलीज करने के लिए भी आप अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं ड्यूपुट्रिन कॉन्ट्रैक्चर में और प्लांटर फेशियाइटिस में, ठीक है. अब टेक्निक्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है जी, कि पहले आपने ऑब्वियसली प्रिपरेशन ऑफ अपरेटस करना है, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट करना है, फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट और उसकी डोज. प्रिपरेशन ऑफ अपरेटस में ये होता है कि मशीन इज टेस्टेड टू इंश्योर दैट इट इज वर्किंग करेक्टली. इट कैन बी डन बाय स्प्लैशिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू द सर्फेस ऑफ ट्रीटमेंट हेड एंड टर्निंग अप द कंट्रोल्स. आपने पानी के एक दो कतरे जो है अपने प्रोब के ऊपर गिराने हैं और फिर आपने ऑन कर देना है अपनी मशीन को, कंट्रोल्स को टर्न अप कर देना. फिर जब एनर्जी आती है करंट के एप्लीकेशन के बाद मशीन चलना स्टार्ट होती है, तो वाइब्रेशन की वजह से वाइब्रेशन आपको नजर नहीं आती है बिल्कुल भी, ठीक है. प्रोब बिल्कुल साइलेंट रहता है. प्रोब अगर आपने करंट बंद करके खाली पकड़ा हुआ है वो तब भी वैसे है, ट्रीटमेंट हेड या प्रोब. अगर आपने करंट ऑन कर दिया है और वो अपनी वर्किंग में आ गया है वो तब भी वैसे ही है, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, ना उससे हीट निकलती है, ना उसमें कोई वाइब्रेशन नजर आती है, कुछ भी नहीं होता. अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलेंगी वो भी आपको, क्योंकि आप उनको डिटेक्ट तो कर नहीं सकते, वो कोई कलर्ड वेव्स नहीं है, ना ही वो कोई साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो आपको नहीं पता चलता उनका. वो इस तरह आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो कि आप उसके ऊपर वाटर के एक दो ड्रॉप डालते हो तो वो वाटर के ड्रॉप्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स. क्यों? वो इस तरह फील आता है आपको कि वाटर जैसे वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया, तो यूं आपको पता चल जाता है कि मशीन वर्किंग में आ गई है.
प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट क्लोथिंग शुड बी रिमूव फ्रॉम द एरिया टू बी ट्रीटेड. क्लोथ आपने ऑब्वियसली रिमूव करने हैं किसी भी मोडलिटी से पहले. स्किन सेंसेशन चेक कर लेनी है पेशेंट की. पेशेंट शुड बी वॉर्न दैट ही और शी विल एक्सपीरियंस अ स्लाइट सेंसेशन ऑफ वार्मथ. एक स्लाइट सेंसेशन पेशेंट को फील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये कोई स्पेशल हीटिंग मोडलिटी नहीं है, लेकिन आपने पेशेंट को एक दफा वॉर्न करना होता है. दिस इज इन द प्रोटोकॉल्स. इन केस ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट मस्ट बी रिपोर्टेड इमिडिएटली. ठीक है, भी आपने पेशेंट को बताना है कि उसे कोई भी किस्म का डिस्कम्फर्ट है तो वो फौरन बता दें. आउटपुट इज एडजस्टेड टू द रिक्वायर्ड लेवल. सर्कुलर मूवमेंट ऑफ हेड इज सैटिस्फैक्ट्री. आपने सर्कुलर मूवमेंट में हेड को मूव करके रहना है इन सर्कल्स और इन द शेप ऑफ फिगर एट. अवॉइड द सुपरफिशियल बोनी एरियाज. बोनी एरियाज को आपने अवॉइड करना है. शुड बी अप्लाइड एट राइट एंगल. स्किन के ऊपर आपने राइट एंगल यानी कि बिल्कुल सीधा प्रोब रख के सरफेस साइड बिल्कुल सीधा रख के अप्लाई करना है. डेंजर्स में क्या आ जाते हैं कि बर्न्स हो सकते हैं, अनस्टेबल कैविटेशन हो सकती है, ओवरडोज हो सकती है और डैमेज टू द इक्विपमेंट. कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं? अब आपके पास अल्ट्रासाउंड की वैस्कुलर कंडीशन हैं, एक्यूट सेप्सिस है, कोई इन्फेक्शन चल रहा है एक्यूट, रेडियोथेरेपी हुई है पेशेंट की, ट्यूमर है उसे प्रेगनेंसी के केस में, कार्डियक डिजीजेज में, हेमरेज में, इस्कीमिक टिश्यू है, इस्कीमिया हो गया सेवेरली टिश्यूज का, वहाँ पे नहीं अप्लाई करना. नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं कि पेशेंट को जो है कोई सेंसेशन ही नहीं है स्किन की, या फिर वो साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं है कि उसको हम अल्ट्रासाउंड अप्लाई कर सकें. स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वहाँ पे अप्लाई नहीं करना. कोई इम्प्लांट है, जिस तरह कोई बोन फ्रैक्चर के बाद बोनी इम्प्लांट्स होते हैं उस जगह पे आप अप्लाई नहीं करते. एनेस्थेटिक एरिया जो है, जो जिस एरिया को एनेस्थीजिया देके उस एरिया की लॉस ऑफ सेंसेशन कर दी गई है, वहाँ पे भी आप अप्लाई नहीं करते अल्ट्रासाउंड. आज के लेक्चर में हमने उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, डेंजर्स और टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट देखी है. मैम, कॉन्ट्राइंडिकेशन में प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड नहीं करते, कॉन्ट्राइंडिकेशन में लिखा हुआ प्रेगनेंसी. बेटा प्रेगनेंसी में आप पेल्विक एरिया पे अल्ट्रासाउंड इलेक्ट्रोथेरेपी वाला अल्ट्रासाउंड अप्लाई नहीं करते, ठीक है? वो वाला अल्ट्रासाउंड जो आप डायग्नोसिस के लिए कर रहे हैं, जो गायनोकोलॉजिस्ट करती है, वो वाला अल्ट्रासाउंड तो प्रेगनेंसी में करना ही पड़ता है, ठीक है? लेकिन पेल्विक एरिया में अल्ट्रासाउंड फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज, इन इलेक्ट्रोथेरेपी, इन फिजियोथेरेपी आप अप्लाई नहीं करते पेल्विक एरिया में. आप उसकी लेग पे या आर्म पे कर सकते हो, लेकिन पेल्विक एरिया में आप एब्डोमेन पेल्विस को अवॉइड करते हो, ठीक है? क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड जो होता है वो तो बेसिकली डायग्नोसिस के लिए ना, जो गाइनी का या ऑब्स का अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, उसको गाइनी ऑब्स अल्ट्रासाउंड कहते हैं. जो ये आपका फिजियोथेरेपी का अल्ट्रासाउंड है, ये पूरी ट्रीटमेंट है और इसमें आपने 8-10 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए एक ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है कॉन्टिन्यूसली. इतनी ज्यादा साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव जो है ये डैमेजिंग होती है फीटस के लिए, ठीक है? तो आप अप्लाई नहीं करते. बेसिकली वो अल्ट्रासाउंड ही होता है. अल्ट्रासाउंड वेव्स तो वो अल्ट्रासाउंड की वेव नहीं है, ठीक है? लेकिन उसका फिर मेथड थोड़ा डिफरेंट है कि वो आपने सिर्फ अप्लाई करना है फॉर अ फ्यू सेकंड्स, ठीक है? आपने वो सिर्फ एक इमेज ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई करना है कि आपको अपनी आपकी स्क्रीन पे एक फीटस की इंटरनल सिस्टम की आपकी इमेज मिल जाती है, ऐसे ही है ना? लेकिन अल्ट्रासाउंड जब फिजियोथेरेपी में अप्लाई कर रहे हो, इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स आपकी कॉन्टिन्यूसली 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये डैमेजिंग होता है फीटस के लिए, ठीक है? इतनी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आप अल्ट्रासाउंड की थेरेपी अप्लाई कर रहे हो. और जो गाइनी ऑब्स का अल्ट्रासाउंड है, वो तो आप सिर्फ फ्यू विद इन अ फ्यू सेकेंड आप एक इमेज देख लेते हो, उसमें कोई कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन तो नहीं है, इसीलिए वो इतना डैमेजिंग नहीं होता. लेकिन डॉक्टर्स फिर भी अवॉइड करते हैं कि अनड्यूली आप हर महीने, हर हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड ना करें, क्योंकि बेसिकली इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही हैं, ठीक है? ओके मैम. चलिए, और कुछ किसी ने पूछना है? मैम, अनस्टेबल कैविटेशन का दोबारा बता दें. बेटा अनस्टेबल कैविटेशन में ये होता है कि जो गैस की बबल्स हैं या एयर बबल्स हैं, वेपर्स हैं, वो कोलैप्स कर जाते हैं. वो कोलैप्स करते हैं मतलब कि वो बर्स्ट कर गए हैं, कोलैप्स कर गए हैं, तो उसके अंदर जो एयर ट्रैप हुई हुई है या गैस ट्रैप हुई हुई है वो हीटेड है. जब वो बर्स्ट करेगा तो वो हीट सडनली रिलीज होती है और लोकल राइज इन टेम्परेचर कॉज हो जाता है, ठीक है? विच इज अ डैमेज टू द टिश्यू.
और ये होता किस वजह से कि अगर आपने अपना जो अल्ट्रासाउंड का हेड है या जो प्रोब है उसको आपने एक जगह पे स्टेगनेंट कर लिया, उसको आप मूव नहीं कर रहे, उसको आपने स्टैटिक कर दिया, उसको आपने इसीलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए टोटली सर्कुलर मूवमेंट्स में मूव करना होता है जी। और कुछ मैम? स्टेबल में, मैम स्टेबल में बबल्स बर्स्ट नहीं करती? स्टेबल में बबल्स बर्स्ट नहीं करती हैं स्टेबल कैविटेशन में, अनस्टेबल कैविटेशन में बबल्स बर्स्ट या कोलैप्स कर जाती हैं। ठीक है जी। yes, बच्चों मैम। अच्छा बेटा, आप में से कोई एक स्टूडेंट जो है जिसने मुझसे इलेक्ट्रोथेरेपी वन भी पढ़ी है, उसमें से कोई स्टूडेंट मुझे बताए किसने पढ़ी है मुझसे इलेक्ट्रोथेरेपी वन? यस मैम। यस मैम मैंने पढ़ी है। आप में से कौन सा बच्चा है जो विदाउट एनी लीव, विदाउट एनी एब्सेंट सारे लेक्चर्स ले लेगा? मैम कोई एब्सेंट ना करे? मैम यस मैम। नूर रहमान? यस मैम। ठीक है ओके मैम। जी बेटा महानूर रहमान। यस मैम। फातिमा महमूद? आप में से आप दोनों ने मुझसे इलेक्ट्रोथेरेपी वन पढ़ी है? यस मैम। चलें ठीक है बेटा। महानूर रहमान आप ऐसा करें कि स्क्रीनशॉट ले लें अटेंडेंस का, मैं आपको ईमेल के थ्रू अपना व्हाट्सएप नंबर कोऑर्डिनेट कर देती हूँ। आपने मुझे हर लेक्चर के बाद, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लेके मुझे विद द डेट ऑफ दैट लेक्चर आपने मुझे वो सेंड करना है। ठीक है ओके मैम। तभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है मैम, ले लिया। ठीक है। और बेटा ये आपने जो है, मैं कहूँ या ना कहूँ, आपने ड्यूरिंग द लेक्चर जो है किसी भी टाइम आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है लेक्चर एंड होने से पहले। ठीक है। और वो अटेंडेंस आपने मुझे सेंड कर देना है फिर आफ्टर द लेक्चर ऑन माय व्हाट्सएप नंबर व्हिच आई विल सेंड यू थ्रू ईमेल। ओके ठीक है बच्चों। ओके मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।